तो देखिए बेटा, हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक किया था, जो मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ ना, उसमें हमारा लास्ट टॉपिक ये था बेटा। लास्ट टॉपिक था हमारा ये, तो सब बच्चे टाइम पे आया करो प्लीज, 8 बजे क्लास में आ जाया करो। यहां से आज हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेटा। सारे क्वेश्चंस देखिए ध्यान से, वन बाय वन। आप लोगों को अगर आते हो तो आंसर बताना, इनको से टिक लगे हुए मोस्टली में। पहला क्वेश्चन है, ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम। तो आपको पता है बेटा क्या सेम होता है, किसी भी ग्रुप में क्या सेम होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक मैम क्या दिख रहे हैं? क्या बेटा? मैम क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे बेटा? यस मैम। बाकी बच्चों को दिखाई दे रहे हैं? नो मैम, व्हाट्सएप स्क्रीन ही शो है। मैम व्हाट्सएप स्क्रीन ही शो है, कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा। वन मिनट बेटा। आप दिखाई दे रहे हैं? यस मैम दिख रहे हैं। यस मैम ठीक है। यस मैम जी। अब देखिए बेटा फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर देखिए आप। ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम। क्या सेम होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जैसे बेटा ग्रुप नंबर वन है, ग्रुप नंबर वन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप नंबर टू में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप नंबर थ्री में थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सभी में क्या सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। अगला क्वेश्चन देखो, विच पेयर ऑफ एलिमेंट हैज द सेम करेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी। ऐसा कौन सा पेयर है इन चारों में से जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टी वहां सेम होगी जिसमें ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे। तो आप देखिए ना यहाँ पे जेड इक्वल टू 13, अब 13 पी ब्लॉक में आता है और जेड इक्वल टू 22 एटॉमिक नंबर डी ब्लॉक में आता है, तो इनकी प्रॉपर्टी तो सेम हो नहीं सकती। लेकिन आप ये देखो, एटॉमिक नंबर 3 लिथियम का होता है, 11 सोडियम का होता है। मैजिक नंबर ऐड करो, 3 और 8 कितना हो गया, 11। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि यहाँ पर ये दोनों जो है इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि दोनों ही एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है। बाकी जो भी आपके पेयर यहाँ पे बना हुआ है, कोई भी सेम ग्रुप का मैच नहीं हो रहा है, लेकिन ये सेम ग्रुप का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये होगा, ठीक है। जहां भी डाउट बता देना बेटा। अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आप लोगों को पता होगा बेटा 17th ग्रुप क्या होता है, ये लिखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होता है 17th ग्रुप, ठीक है। तो अब इसमें देखना है आपको थर्ड पीरियड का एलिमेंट। तो फ्लोरीन तो आता है सेकंड पीरियड में, क्लोरीन आपका आता है थर्ड पीरियड में, ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। अगला क्वेश्चन है, चालकोजेंस आर द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। सबको पता है चालकोजेंस किस ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला है आपका, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ। तो आप लोगों को पता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम किस किस को बोलते हैं, एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को बोलते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड साइड से, पी ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो यहाँ दोनों आएंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, तो आंसर नंबर 2 इसका हो जाएगा, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट ए नॉन मेटल। ये बेटा थोड़ा सा कटा हुआ है, यहाँ पे नॉन मेटल है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जो एक नॉन मेटल को रिप्रेजेंट नहीं करती, ठीक है। तो आप लोग बेटा खुद देखिए, नॉन मेटल किसमें होती है, पी ब्लॉक में। नॉन मेटल किसमें होती है बेटा, पी ब्लॉक में होती है। तो अगर आप इन क्वेश्चन से आप ना ओड वन ढूंढ लिया करो, जो ओड वन होगा ना वही आंसर होगा। तो आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे NH2NP4, पहले में पी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगले में देखो NH2N-1D1 to 10 NP5, लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले में भी पी में था
दूसरे में भी पी सब शेल में है, इन दोनों में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में है, लेकिन आप थर्ड में देखो, थर्ड में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, डी सब शेल में है, फोर्थ में फिर से किस में है, पी में है, तो जो आपका फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है इन तीनों में तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में है, इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, ये तो नॉन मेटल है, लेकिन जो आपका थर्ड है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में है, डी सब शेल में होने का मीनिंग है ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है और डी ब्लॉक में सारी क्या प्रेजेंट होती है, मेटल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है, आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट या पी ब्लॉक एलिमेंट, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो एस ब्लॉक या पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 37 है लीना की रब से फरियाद, जो सी एस होता है सीजीएम उसका एटोमिक नंबर, सॉरी आर भी रूबीडियम का एटोमिक नंबर क्या होता है, 37 एस ब्लॉक का है, जेड इक्वल टू 31 पी ब्लॉक का है, जेड इक्वल टू 54 फिर से जिनो नोबल गैस वाला है पी ब्लॉक का है, जेड इक्वल टू 24 डी ब्लॉक का है। आप लोगों को बेटा एटोमिक नंबर पता है कौन सा किसमें होता है, ये आप कर सकते हो एस्टिमेशन लगा लोगे इन क्वेश्चंस का, बताओ बेटा, बोलिए बेटा, समझ में आया आपको ये, इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ आएगा, जेड इक्वल टू 24 जो फोर्थ आपका ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बाकी सारे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है, और आपको पता है एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं। आपको सेवंथ क्वेश्चन समझ में आया बेटा, बोलिए। यस मैम। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, एट्थ, एलिमेंट्स हैविंग नो न्यूट्रॉन, आप लोगों को पता है न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सभी को पता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इससे हम निकालते हैं न्यूट्रॉन। तो अब आप देखिए किसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो पहला ही आएगा हाइड्रोजन, क्यों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी वन होता है और मास नंबर भी वन होता है, तो न्यूट्रॉन तो कितने होंगे, वन माइनस वन जीरो होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डी ब्लॉक, तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा, डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, 10, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर, बोलिए कहां तक, आप लोगों को सुनाई दे रहा है बेटा, बताइए डी ब्लॉक में कहां से कहां तक ग्रुप होते हैं, 10, 10 ग्रुप होते हैं, कहां से कहां तक, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, 3 से लेके 12 तक, ठीक है बेटा। 1 और 2 ग्रुप एस ब्लॉक का होता है, 13 से 18 पी ब्लॉक के होते हैं, और जो बीच के आपके बच गए 3 से लेके 12 तक, वो आपके किस में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं, और आपको पता है एफ ब्लॉक तो अलग होता ही है, ठीक है। इसके बाद अब आगे टॉपिक देखिए, नेक्स्ट, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा कल मैंने आपको एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था, कल हमने क्या पढ़ा था बेटा, एटॉमिक रेडियस, हमने इसकी तीन टाइप भी पढ़ ली थी, कोवलेंट रेडियस, मेटलिक रेडियस और वान डर वाल रेडियस, ये तीनों हो गए थे। आयनिक रेडियस कोवलेंट रेडियस की टाइप नहीं है बेटा, यहाँ इकट्ठा दे रखा है बट ये अलग होती है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस तो तीन तरह की होती है, कोवलेंट, मेटलिक और वान डर वाल। एटॉमिक रेडियस तीन टाइप की है, फिर रिपीट कर रही हूँ, कोवलेंट, मेटलिक और वान डर वाल। तो आयनिक रेडियस इनसे अलग है। तो बेटा ये टॉपिक कल के हैं, एक बार नोट्स को आप दोबारा पढ़ लेना, कोई डाउट हो आपको सोल्व हो जाएगा। तो कोवलेंट रेडियस ये मैंने कल आपको समझा दिया था, ठीक है। आप लोगों को पता है कोवलेंट रेडियस क्या होता है, दो एटम है, एक एटम ए है एक एटम बी है, ये इसका सेंटर ऑफ न्यूक्लियस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ न्यूक्लियस हो गया, जो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का ये डिस्टेंस है, आप खुद देख सकते हैं, इसको डी से लिखा हुआ है, डी का मीनिंग क्या है, नीचे लिखा हुआ है, डी इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो डी यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन द टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम ए एंड बी, और जो ये इसका हाफ होगा डी का हाफ क्या होगा, एटोमिक रेडियस होगा, डी का हाफ बेटा क्या होगा, एटोमिक रेडियस होगा, ठीक है। एटोमिक रेडियस की कौन सी टाइप, ये कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है तो कोवलेंट रेडियस होगी। अब बेटा आप लोग ना एक बात सीधी सीधी और लर्न कर लें, जो रेडियस होती है, जो या साइज होता है, साइज हमेशा डाउन द ग्रुप तो बढ़ता है और पीरियड में कम होता है। पीरियड का मीनिंग क्या है, जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज घटता है, लेकिन डाउन द ग्रुप आने पर साइज हमेशा बढ़ता है। याद हुआ मैं क्या बोल रही हूँ, बताओ लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज, बोलिए बेटा,
लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हो पीरियड में तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। और डाउन द ग्रुप आओगे तो इंक्रीज। इंक्रीज, ठीक है बेटा। चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो चाहे एटॉमिक साइज हो, सेम बात रहेगी। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर, ये टेबल देखो आप सब ध्यान से, तुम्हें यहाँ पे एटम दे रखे हैं, ठीक है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब कहाँ आते हैं बेटा पता है आपको? ये किस पीरियड के एलिमेंट है? ये पीरियड नंबर टू के एलिमेंट है, है ना? पीरियड नंबर टू में लेफ्ट हैंड साइड में आता है लिथियम बेरिलियम, और राइट हैंड साइड में क्या आता है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन यहाँ पे लिया नहीं गया। तो एक बार आप इनकी एटॉमिक रेडियस देखिए, ये सारे पीरियड के एलिमेंट है। लिथियम की एटॉमिक रेडियस कितनी है बोलो बेटा? लिथियम की रेडियस कितनी है यहाँ? 152। बेरिलियम की और कम होगी, 111। आगे बोरोन की और घटकी 88। कार्बन की और कम होगी 77। नाइट्रोजन की और कम है 74। तो आप लोग क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करते जा रहे हो तो पीरियड में मूव करने पर जो रेडियस है वो घटती जा रही है, ठीक है? अब देखो थर्ड पीरियड के एलिमेंट। पीरियड थर्ड में कौन से एलिमेंट आते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 18 आपका नोबल गैसेस का है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो, आपको डाटा याद नहीं करना, बस इतना याद करना है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो आप खुद देख सकते हो सोडियम का 186 है, मैग्नीशियम का और कम हो गया 160, एल्यूमिनियम का और कम हो गया 143, सिलिकन का 117। तो लगातार इसका क्या घटते जा रहा है? एटॉमिक रेडियस, ठीक है? अब आगे देखो आप, एटॉमिक रेडियस डाउन ए फैमिली। अब हम मूव कर रहे हैं डाउन द ग्रुप। ये ग्रुप नंबर वन है, हेलिना की रब से फरियाद। एच इसमें लिया नहीं क्योंकि एच आपका हाइड्रोजन के एक्सेप्शन है आज भी, ठीक है? तो बाकी आप देखो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। जितना आप लोग डाउन द ग्रुप आओगे उतना ही एटोमिक साइज आपका बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप आने पर बेटा एटोमिक साइज हमेशा बढ़ता है, ठीक है? क्यों बढ़ता है बेटा, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप है ना, नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। क्या बढ़ती है? नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। आप लोग देख सकते हो ना बेटा लगातार बढ़ रहे हैं। तो बस आप लोगों को क्या कंक्लूजन यहाँ से निकालना है, क्या याद करना है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में तो आपकी घटती जाती है, और डाउन द ग्रुप वो आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है? कर लोगे? बताओ बेटा समझ में आ रहा है, कर लोगे ये टॉपिक आप? यस मैम। ओके, यस मैम। तो एक बार ना चलो ये दोनों ग्राफ और देखो आप लोग, सबको एक ग्राफ दिखाई दे रहे हैं ना? यस मैम। जरा ध्यान से देखो ग्राफ और मुझे देख के बताओ किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रखा है। एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक एंड एटॉमिक नंबर। अब तुम देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिथियम है, फिर नेक्स्ट आपका क्या आया? बेरिलियम, देन आपका क्या आया? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। लगातार बताओ क्या घट रहा है? लिथियम की सबसे ज्यादा क्या थी? एटॉमिक रेडियस घट रही है। लेकिन आप लोग खुद देख पा रहे हो लगातार घट रही आगे एटॉमिक रेडियस। बेरिलियम की ओर कम हुई, फिर आगे बोरोन की ओर कम होगी, कार्बन की ओर कम हुई, नाइट्रोजन की ओर घटी, ऑक्सीजन की ओर घटी, फ्लोरीन की सबसे ही कम होगी। तो कंक्लूजन क्या आया कि पीरियड में जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है? अब आप ये देखो, हाँ अब बेटा इसका ये सेकंड ग्राफ देखिए आप लोग। सेकंड ग्राफ में क्या है? ग्रुप के एलिमेंट है। ये कौन सा ग्रुप है? एफ सी एल बी आर आई, बताओ। 17। हाँ जी, ये है ग्रुप नंबर 17। तो आप लोग खुद देख पा रहे होंगे फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। फ्लोरीन से बड़ा कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन से थोड़ा सा बड़ा कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन से थोड़ा सा बड़ा कौन है? आयोडीन, ठीक है? तो जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो हमेशा एटॉमिक साइज है वो बढ़ता है। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है? ऐसे बेटा ये देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब भी क्या है? डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इनका भी साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है,
ठीक है मैम, ये लिखने भी हैं? नहीं बेटा, अगर आप कुछ एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना लें इसमें से, ये टॉपिक तो मैं कल में क्लास में पढ़ा चुकी हूँ ना। यस मैम। यस मैम। कल आपने साथ साथ नोट्स बनाए होंगे? यस मैम। तो मैं आपको बता दूंगी आगे कहाँ से लिखना, अभी मत लिखना ये कुछ भी। हाँ, इनमें से पढ़ लेना एक बार, ठीक है? अब देखिए, मेटालिक रेडियस कल हो गया था, आयोनिक रेडियस कल हो गया था, ठीक है? तुम्हें कल की बातें ध्यान है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगा, घटेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अच्छा बताओ, जो कैटायन है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है या बड़ा? हाँ जी, छोटा छोटा बेटा। कैटायन पेरेंट एटम से छोटा होता है, पता है ना? पेरेंट एटम क्या होता है भाई? तो जिस एटम से बड़ा है, जैसे Na है, Na से कैटायन क्या बना? Na प्लस, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ देखो, स्क्रीन पर देखिए सभी, ये एक कैटायन है A, ये एक कैटायन है B, ठीक है? अच्छा ये बताओ, कैटायन का साइज छोटा बना रखा है, एनायन का साइज बड़ा बना रखा है, क्यों? क्योंकि कैटायन एनायन से छोटे ही होते हैं साइज में, ठीक है बेटा? बड़े ढंग से ग्राफ समझा रखा है पूरा। तुम ये देखो, ये ए कैटायन है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये बी कैटायन है, इसका न्यूक्लियस है। अब कैटायन ए से लेके कैटायन बी के बीच का जो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसे हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, कल हमने पढ़ा था। और जो इनका हाफ है, ऊपर दिखा रखा है, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन, बेटा दिखा रखा है ना ऊपर, तो ये हमने कल कर लिया था, बोलो। यस मैम। यस मैम। अब तुम ना जरा इस ग्राफ को इस देखना ध्यान से इसको, ये है Na एटम, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये हो गया Na प्लस एटम, दिखाई दे रहे हैं ना सबको? तो अब मुझे ये बताओ, yes, ma'am. किसका साइज छोटा है, Na का या Na प्लस का, बताइए? Na प्लस का। हाँ जी, आप Na प्लस के ग्राफ को देखो, आपको यहाँ पे दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अब बेटा ओरिजिनल रेडियस तो कुछ और थी, 186 पिकोमीटर थी, लेकिन श्रंकन न्यू रेडियस, लेकिन जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो उसका साइज घट गया। पहले साइज कितना था उसका, 186 पिकोमीटर, अब उसका साइज कम कितना बच गया है, बोलो? 95 पिकोमीटर। तो साइज कैटायन का घट जाता है, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद आप लोग सभी ये टेबल देखो, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम और सीजियम, सबको याद है लीना की रब से फरियाद। अब जरा बताओ, ये ग्रुप के एलिमेंट है पीरियड के? बोलिए बेटा, ग्रुप के है लीना की रब से फरियाद, डाउन द ग्रुप आए, ग्रुप के एलिमेंट है। अब जरा तुम इनका एटॉमिक साइज देखो, क्या है लिथियम का 152, सोडियम का 186, साइज घट रहा है या बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप? बढ़ रहा है। अब तुम ये देखो, कैटायन बना दिए इनके, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस। अब एक बार आप लोग कंपेयर करो Li को और Li प्लस को, बताओ लिथियम का साइज क्या था, 152, लेकिन Li प्लस का साइज क्या हो गया, 76। जो लिथियम वो पेरेंट एटम है और उससे आयन क्या बना है, Li प्लस बना है, ठीक है? तो पेरेंट एटम और कैटायन में से किसका साइज बड़ा होगा, पेरेंट एटम का साइज होगा, कैटायन एटम का साइज का होगा। तो आप ये टेबल समझ गए बेटा, कर लोगे यहाँ से? यस मैम। बाकी बच्चे? मैम। यस मैम। चलिए करें तो आगे इसके बाद। यस मैम। ये कल किया था देखो, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, ये कल कर लिया? यस मैम। कल मैम यही था ना, ठीक है बेटा। अब तक तो हमने पढ़ा ग्रुप का, ठीक है? अब हम यहाँ कुछ डिस्कस करेंगे पीरियड का, या एलिमेंट टू एलिमेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आप लोग खुद देख सकते हो
एन ओ एंड एफ तीनों में किसका साइज बड़ा है? एन का, क्योंकि पीरियड में जाने पर साइज घटता है और ग्रुप में आने पर साइज बढ़ता है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज? बताओ बेटा, Mg और Mg2+ का पेयर है, Mg का और Mg2+ का पेयर है, किसका ज्यादा साइज होगा, किसका कम होगा? Mg large, Mg2+ small। Very good, सबको समझ में आ रहा है, Mg का साइज बड़ा होगा, Mg2+ का साइज है वो छोटा। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। देखो कल हमने ये किया था वैन डर वाल रेडियस। यस मैम। भाई दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे जो उनके बीच का जो ये अट्रैक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वैन डर वाल रेडियस बोलते हैं। ठीक है, वैन डर वाल रेडियस भी हाफ ही होती है किसकी? बॉन्ड लेंथ की। इट इज ऑल्सो हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। फिर कल हमने ये भी कर लिया था, कोवलेंट रेडियस में मैक्सिमम किसकी है रेडियस? वैन डर वाल की, उससे कम मेटालिक और सबसे कम बेटा कोवेलेंट। तो ये भी कल हमारा हो चुका था। ठीक है, तो भी अब इसके बाद नया टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं और अगला टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, यहाँ से लिखना है मैम? हाँ बेटा, बता दूंगी मैं आपको कैसे कैसे लिखना है। ओके, ज्यादा परेशान मत हो जाएगा। हर्ष बेटा क्लास में हो या चले गए? नहीं है अब, कोई बात नहीं बेटा, चलो देखो आगे। अब हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान से पढ़िए क्या है इस टॉपिक में। द क्वालिटेटिव मेजर, मतलब बेटे क्वालिटी वाइज मेजरमेंट करता है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए कैटायन। आप बताओ बेटा, कोई भी एलिमेंट है अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उस पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, तो उसने खुद कैटायन बना लिया। अब कोई भी एक एटम है, आपको उस एटम की आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितना अमाउंट एनर्जी का चाहिए, उसे ही हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो वही हमारा क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी देख लो आप लोग। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की कितनी पावर है, कितनी टेंडेंसी है टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करें, एंड टू फॉर्म ए कैटायन। ठीक है, तो कम से कम कितना अमाउंट एनर्जी का हमें चाहिए ताकि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके बेटा, कर लोगे सभी यहां तक? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, अब बेटा आप ये बताना, हमारे पास दो एटम है ए और बी, ए एटम का साइज छोटा है और बी एटम का साइज बड़ा है। सब सुन रहे हो ना ध्यान से? हमारे पास दो एटम है ए एंड बी, ए एटम का साइज छोटा है, बी एटम का साइज बड़ा है। किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, छोटे में से या बड़े में से? बोलो बेटा। बड़े में से। हाँ जी, जितना बड़ा साइज है भाई, किसी का साइज बड़ा क्यों है? क्योंकि वहां अट्रैक्शन कम हुई, तभी तो साइज उसका बड़ा है। जितना साइज छोटा हो जाता है, साइज छोटा कब होगा? जब बीच में अट्रैक्शन होगी एटम की, तब साइज घटेगा ना। और अगर अगर अट्रैक्शन बढ़ गई है तो ज्यादा ताकत हमें लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर साइज क्या है बेटा? बड़ा है। अब बड़े साइज का मीनिंग क्या है? कि यहाँ पर कोई ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही
आसान है। तो जितना छोटा साइज होगा एटम का उतना ही मुश्किल होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना, लेकिन आपका जब साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या होगा, आसान हो जाएगा। एज द साइज इंक्रीज एंथैल्पी डिक्रीज। ओके, तो मीनिंग इसका ये है कोई भी एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कम से कम अमाउंट जो हमें एनर्जी का चाहिए उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एग्जाम्पल आप लोग देख पा रहे हो, मेटल है एम, इससे क्या बन रहा है एम प्लस, साथ में क्या निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, कि भाई मेटल ने अपने क्या लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग आगे देखिए यूनिट, यूनिट क्या है भाई इसके, देखो ये रही किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ये यूनिट है किसकी, एंथैल्पी की। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आप देखो, नेक्स्ट टर्म है हमारी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब सक्सेसिव का मीनिंग ही क्या होता है, वन बाय वन, भाई सक्सेसिव का मीनिंग क्या होता है, वन बाय वन, कि एक एक करके जो एटम है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लग रहे हैं, पहले पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर दूसरा जाएगा फिर तीसरा जाएगा। अब आप इसका मीनिंग समझो, यहां ये देखिए पहले एक मेटल है एम, ओके, उसकी स्टेट कैसी थी, गैसियस। हाँ बेटा ये कंडीशन ध्यान रखना, आपका एटम होना चाहिए गैसियस ही, एटम मस्ट बी गैसियस। तो आप लोग देखिए जो ये एम है गैसियस स्टेट में था, एम ने अपना एक क्या लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एम ने खुद को क्या बना लिया, एम पॉजिटिव, एम ए पॉजिटिव। भाई एम पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा दिया तो इसमें चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब बेटा आगे देखो, एम पे पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही आ रहा है, अब मेटल जो ये एम है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रही है, तो अब इसका चार्ज प्लस से क्या हो जाएगा, टू प्लस, क्योंकि अब ये और क्या निकाल रही है, इलेक्ट्रॉन निकाल रही है। ठीक है, अब थर्ड आप देखो, एम टू प्लस से क्या बन गया, एम थ्री प्लस, एम ए थ्री प्लस, मीनिंग अब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो बारी बारी से एक एक करके आपके इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, पहले फर्स्ट फिर दूसरा सेकेंड फिर थर्ड थर्ड, इस तरीके से। और आप सबको इन पे ये दिखाई दे रहा है आई ई वन आई ई टू आई ई थ्री, बोलो बेटा। यस मैम। तो आई ई वन का मीनिंग है आई से होगा आयोनाइजेशन, ई से होगा एंथैल्पी, और वन से आपको पता ये फर्स्ट। तो आई ई वन का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कि भाई इस एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाया है तो यहां पर हम फर्स्ट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप लोग बताओ ऐसे ही आई ई टू क्या बन जाएगा, टू से क्या होगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और बेटा आई ई थ्री से थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर और देना, इन तीनों में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, कि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो आप क्या कहेंगे बेटा, इन तीनों में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है। आप बस याद ही कर लें इन बातों को, कि जो आई ई वन होता है वो सबसे कम होता है, आई ई वन के बाद आता है आई ई टू, और आई ई टू के बाद आता है आई ई थ्री। तो हमेशा पहला इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होता है, आई ई वन। ओके, देखो दे रखा है नीचे, डिटेल आपको नहीं पढ़नी, बस याद कर लेना आई ई वन सबसे कम है, आई ई टू, एंड देन आपका क्या है, आई ई थ्री। ओके, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप देखो, सक्सेसिव, बेटा इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लोग देख पा रहे हो टेबल, ये टेबल आप सबको दिखाई दे रही है, बोलिए। यस मैम। एक बार कंपैरिजन करना मैम, क्या क्या है इस टेबल में, आई ई वन आई ई टू और आई ई थ्री। पहला एलिमेंट है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, थ्री। एक बार इसकी चेक करो कॉन्फ़िगरेशन क्या है,
1s2 2s1 इनके सबकी क्या दे रखी है एंथैल्पी दे रखी कितनी है इसकी 520 IE1 हाँ जी 520 नहीं बेटा हाँ जी यही है बेटा ठीक है IE2 कितनी है 72 7 IE3 11 1810 तो आप लोग देख पा रहे हो IE1 सबसे कम है उससे ज्यादा है आपका IE2 एंड सॉरी उससे कम है आपका IE2 ज्यादा है मैम हाँ बेटा सॉरी ज्यादा है अब ये बताओ पहला इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान क्यों था इस क्वेश्चन का आंसर देना है और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है बताएंगे क्यों कोई भी इसका आंसर देना चाहेगा पहले साइज बड़ा होता है हाँ और फिर साइज घटने लग जाता है छोटा होता है एक बार आप सब ये देखो बेटा ये एम है एम पे पहले कितने पॉजिटिव प्रेजेंट है बोलो टू पॉजिटिव देखो जहां पे मैंने एरो लगा रखा है इस एम पे कितना चार्ज है टू पॉजिटिव मतलब इस मेटल के बाहर दो पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं मेटल के पीस में और अब उसमें से क्या निकल के आना चाहता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और मेटल का पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या हो जाती है अट्रैक्ट हाँ जी अट्रैक्शन होगी अब अगर इनके बीच में अट्रैक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन का तो बाहर आना और मुश्किल हो गया तो हमें और ज्यादा ताकत वहां पे लगानी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन उस एटम में से बाहर निकल के आ जाए ठीक है बेटा समझे बात को पहले मेटल पे कोई भी चार्ज नहीं था आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए फिर धीरे धीरे क्या हुआ चार्ज आने लगे मेटल पे चार्ज आएगा प्लस चार्ज पहले प्रेजेंट है अंदर से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में आपस में क्या होगी अट्रैक्शन होगी जब अट्रैक्शन होगी तो हमें और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए यही वजह है कि IE3 सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू IE2 एंड IE1 ठीक है भाई कर लोगे यस मैम अब बेटा यहाँ देखो पूरी टेबल आपको दे रखी है सभी में यही है IE1 कम है IE2 ज्यादा है IE3 और ज्यादा है तो अब इसके बाद आगे आप लोग देखिए नेक्स्ट बेटा है इसके बाद आपका एक ग्राफ आपको दो ग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे डेल्टा एच मतलब कि एंथाल्पी गिवन है साथ में गिवन है एटॉमिक नंबर ठीक है तो आपको बताना है इसमें ग्राफ समझ में आ रहा है या नहीं फर्स्ट ग्राफ में आप देख सकते हो ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट है लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियोन ऑल ऑफ दीज आर एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर वन हम यहाँ इनकी डिस्कस कर रहे हैं एंथाल्पी कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या नहीं है तो आप लोग कह सकते हो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान है क्यों है क्योंकि ये सारे ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट है और ग्रुप नंबर वन से इलेक्ट्रॉन निकालना आपको पता है बहुत इजी होता है क्योंकि ग्रुप नंबर वन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पर सबसे कम किसकी एनर्जी लिथियम की लिथियम और सबसे हाई किसकी है नियोन नियोन की लेकिन तुम लोगों ने एक बात नोट की यहाँ दो जगह पे ना रेड एंथैल्पी कम हो रही है बताओ कहाँ कहाँ कम हो रही है अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा बेटा यहाँ पे दो जगह एक तो आप देखो बेरिलियम से प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन हाँ बेटा यस मैम और दूसरा आपको दिख रहा है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन नाइट्रोजन जब आप बेरिलियम पे थे तो एनर्जी लग रही थी 889 अब आप बेरिलियम से आगे तो एनर्जी लग रही है 801 मतलब बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हुआ बोरोन से थोड़ा सा सॉरी बेटा बेरिलियम से निकालना मुश्किल हुआ वजह क्या है इसकी क्योंकि बेरिलियम में एस सबशेल जो पूरी भरी होती है स्टेबल होता है लेकिन बोरोन में क्या है पी सबशेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है सेम रीजन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में पी सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन
ठीक है। तो बेटा इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो नाइट्रोजन है ना इसकी पी में तीन इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन क्या है हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड का मीनिंग इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाफ फील्ड का मीनिंग क्या हुआ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। बेटा ऑक्सीजन की पी में चार इलेक्ट्रॉन है, ना तो वो हाफ फील्ड ही रहा ना वो फुल फील्ड ही रहा, तो ये दो एक्सेप्शन आप लोगों को याद कर लेने हैं, बेरिलियम से बोरोन का और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का। ठीक है बेटा कर लोगे दोनों आप? यस मैम। देखो सेकंड ग्राफ, सेकंड ग्राफ में क्या है, एटॉमिक नंबर है और एंथैल्पी है। अब देखो यहाँ लगातार क्या, और लिथियम सबसे बड़ा साइज एंथैल्पी थी, सोडियम की उससे कम है, पोटेशियम की ओर कम है, रुबिडियम की ओर कम है, सीजियम की ओर कम है। इसका मीनिंग क्या है, जब तुम डाउन द ग्रुप आ रहे हो ठीक है तो आपकी रेडियस, सॉरी बेटा आपकी एंथैल्पी क्या है कम होती जा रही, डाउन द ग्रुप एंथैल्पी आपकी घटती जा रही है। क्यों घट रही है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाता है, अगर साइज बढ़ गया है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया है। ओके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया, इसका मीनिंग हमें एनर्जी भी कम चाहिएगी। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आप देखो कहीं पर कोई यहाँ पे चेंज नहीं है, लगातार भी क्या घट रही है एंथैल्पी, सबसे